भारतीय जनता पार्टी झूठ और भ्रम फैलाने के काम में लगी हुई है। हमारी पार्टी को तोड़ने का प्रयास किया, चुनाव लड़ रहे, तीन बार से चुनाव हार रहे, 27 साल से भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में चुनाव हार रही, मुख्यमंत्री के आवास पे कब्जा करना चाहते, इनका नाम ही भारतीय झूठा पार्टी है। वहां पे भारतीय जनता पार्टी के 10 साल के कुशासन को हटाया जाए, और पूरे चुनाव में भी हम लोगों ने प्रचार इसी बात पे फोकस रखा कि बीजेपी का कुशासन हटना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी झूठ और भ्रम फैलाने के काम में लगी हुई है, और कई हथकंडे दिल्ली में अपनाए उन्होंने। हमारी पार्टी को तोड़ने का प्रयास किया, चुनाव लड़ रहे, तीन बार से चुनाव हार रहे, 27 साल से भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में चुनाव हार रही है। तो जब चुनाव हार गए तो प्रयास किया आम आदमी पार्टी को खत्म करो, अरविंद केजरीवाल को खत्म करो, इनके विधायकों को तोड़ो, इनके नेताओं को तोड़ो, उसमें भी फेल हो गए। अब जब जीत नहीं पा रहे हैं तो कह रहे मुख्यमंत्री आवास पे कब्जा कर लो। तो मुख्यमंत्री के आवास पे कब्जा करने की नई लालसा और इच्छा, क्योंकि मुख्यमंत्री तो बना नहीं पाते, चुनाव हार रहे हैं 27 साल से। 27 साल का वनवास बहुत बड़ा वनवास होता है, 27 साल से भाजपा ही चुनाव हार रहे हैं। तो अब वो मुख्यमंत्री के आवास पे कब्जा करना चाहते हैं। और ये बात मैं क्यों कह रहा हूं, केजरीवाल साहब ने घर खाली कर दिया, उसको लेके इन्होंने दुष्प्रचार फैलाया। ये वो प्रमाण पत्र है जिसमें साफ तौर पे लिखा है कि अरविंद केजरीवाल जी ने घर को खाली कर दिया। मुख्यमंत्री का आवास अरविंद केजरीवाल जी ने खाली कर दिया, ये उसका प्रमाण है, लिख के दिया हुआ है। दूसरी बात, मुख्यमंत्री के तौर पे आतिशी जी को उस आवास में जाना था, तो उन्होंने ये दो पत्र है जिसके बारे में कहने के बावजूद वो मुख्यमंत्री का आवास आतिशी जी को अलॉट नहीं किया जा रहा है, जो कि दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं। तीसरी बात, उन्होंने वहां पर मुख्यमंत्री का कैंप कार्यालय बनाकर मीटिंग शुरू की, तो वो मीटिंग करने के बावजूद वहां के स्टाफ को खाली करा दिया, कैंप कार्यालय भी वहां नहीं चलेगा। तो भारतीय जनता पार्टी जो चुनाव 27 साल से दिल्ली में नहीं जीत पा रही है, आम आदमी पार्टी को खत्म करने का प्रयास कर लिया, अरविंद केजरीवाल की राजनीति को खत्म करने का प्रयास कर लिया, आम आदमी पार्टी के नेताओं की राजनीति को खत्म करने का प्रयास कर लिया, तो अब जो चुनाव नहीं जीत पाते, मुख्यमंत्री नहीं बना पाते, वो मुख्यमंत्री के आवास पे कब्जा करना चाहते हैं। जहां तक ये फैलाया जा रहा है, चाबी नहीं दिया, वो भी एक झूठ है, उसका भी प्रचार कर रहे हैं भाजपाई। तो कुल मिला के ये जो एक भ्रम और झूठ भाजपा के लोग फैला रहे थे, उसके संबंध में आप लोगों को जानकारी देनी थी। इनका नाम ही भारतीय झूठा पार्टी है, झूठ बोलने के अलावा कुछ करते नहीं। केजरीवाल साहब ने, पहले भी मैंने बताया था, मुख्यमंत्री आवास उन्होंने खाली किया, और ये उसका लिखित प्रमाण है, सरकारी प्रमाण है, इसमें लिखा हुआ है कि अरविंद केजरीवाल जी ने मकान खाली कर दिया। मैं सीधा उदाहरण दिल्ली का दे रहा हूं। दिल्ली के अंदर 2013 में
हमको 28 सीट मिली, भारतीय जनता पार्टी को 32 सीट मिली, कांग्रेस पार्टी को 8 सीट मिली और एक दो निर्दलीय जीते थे। उसके बाद 2015 के चुनाव में हमको 67 सीट मिली, बीजेपी को 3 सीट मिली, कांग्रेस पार्टी को 0 सीट मिली। यानी कि कांग्रेस बीजेपी दोनों का वोट आम आदमी पार्टी को 2013 में भी मिला, 2015 में भी मिला। फिर 2020 में हमको 62 सीट मिली, बीजेपी को 8 सीट मिली, कांग्रेस पार्टी को 0 सीट मिली। 2020 में हमको कांग्रेस बीजेपी दोनों का वोट मिला। तो हमको दोनों पार्टियों का वोट मिलता है क्योंकि आम आदमी पार्टी का जो मॉडल है, हमको जाति धर्म की राजनीति तो करते नहीं, हम शिक्षा की, स्वास्थ्य की, बिजली की, पानी की, इसकी बात करते हैं। उसका लाभ हर व्यक्ति को मिलता है, वो किसी भी जाति धर्म का हो। तो सबकी उम्मीदें होती हैं कि ये राजनीतिक दल हमारे क्षेत्र में आना चाहिए। और इसी के कारण हरियाणा में, जैसा आपने कहा, कई जगहों पे हमको अच्छा वोट मिला। जगाधरी की सीट पे 43,000 वोट मिला है, कई जगहों पे हमें 20,000 से ज्यादा वोट मिला है, लगभग 2% के वो आसपास वोट मिला है, लेकिन वोट कई जगहों पे हमें अच्छा मिला है हरियाणा में। ये कहा जा रहा है कि अगर अब जो आम आदमी पार्टी के लिए सुखद और अच्छी खबर है वह है जम्मू कश्मीर से। जम्मू कश्मीर में आम आदमी पार्टी के नेता महराज मलिक, जो बहुत लंबे समय से आम आदमी पार्टी से जुड़े हैं, वो वहां पर चुनाव जीते। और पूरे चुनाव प्रचार के दौरान उन्होंने दिल्ली मॉडल की चर्चा की, शिक्षा स्वास्थ्य के मॉडल की चर्चा की, केजरीवाल जी के मॉडल की चर्चा की। तो अरविंद केजरीवाल का कारवां देश के 5 राज्यों की विधानसभाओं में पहुंच चुका है, हमारी सीधी एंट्री हो चुकी है। तो आम आदमी पार्टी का विस्तार पूरे देश में हो रहा है, यह हमारे लिए एक अच्छी और सुखद खबर है। देखिए, हरियाणा को लेकर हमारी भूमिका यह है कि जो भी मत प्रतिशत लोगों ने दिया है, जो भी हमारे पक्ष में जनादेश दिया है, हम उसका सम्मान करते हुए आगे अपने संगठन को और मजबूत करेंगे और अच्छे से काम करेंगे, हरियाणा के लोगों की सेवा करेंगे, उनके हक की लड़ाई लड़ेंगे। लेकिन अगर आप गठबंधन की बात कर रहे हैं तो खुली तस्वीर की तरह सामने दिख रहा है। भाई, आपने लोकसभा के चुनाव में गठबंधन किया, आपको मिले 47% वोट इंडिया गठबंधन को, उसी हरियाणा में 47% वोट। आपने विधानसभा के चुनाव में, मुख्यमंत्री तो कांग्रेस का बनना था, सरकार कांग्रेस की बननी थी, हम लोग कह रहे थे गठबंधन कर लो, गठबंधन कर लो, गठबंधन कर लो, गठबंधन नहीं किया। अब इसके बारे में कांग्रेस पार्टी से पूछिए, उन्होंने क्यों नहीं किया। अब उनके बहुत सारे बयान उनके नेताओं के सोशल मीडिया पे वायरल हो रहे हैं, हमको कुछ समझते ही नहीं थे। तो अब आप उनसे पूछिए बारे में, हमने तो अपना प्रयास किया, हमने अपने गठबंधन का धर्म निभाते हुए प्रयास किया कि उनके साथ समझौता हो जाए। वहां पे भारतीय जनता पार्टी के 10 साल के कुशासन को हटाया जाए। और पूरे चुनाव में भी हम लोगों ने प्रचार इसी बात पे फोकस रखा कि बीजेपी का कुशासन हटना चाहिए, और भी दूसरे राजनीतिक दलों ने भी इसकी चर्चा की। लेकिन आपने देखा कि उन्होंने गठबंधन नहीं किया, अकेले गए चुनाव। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।